रोल है। बाबूजी क्या नाम है आपका? शंकर दत्त मिश्रा। शंकर जी आज यहाँ पर स्टील जो अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में क्या इनका था, आप लोगों ने किस तरह इनके लिए याद किया आप लोगों ने? मौलाना आज़ाद देश के एक यशस्वी महानेता थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपने जुझारू नेतृत्व के कारण पूरे देश में वो विख्यात हुए थे। उनका जन्म यद्यपि धार्मिक नगरी मक्का में हुआ था, लेकिन वो एक बंगाली समुदाय के एक मुसलमान थे और उन्होंने बंगाल में अपना कार्य क्षेत्र बनाकर अनेक क्रांतिकारियों से सानिध्य में आकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपने को समर्पित किया और बंगाल तक जो आंदोलन सीमित था उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर उन्होंने पूरे देश में एक क्रांति की लहर पैदा की। कालांतर में उन्होंने एक अखबार भी निकाला अलहिलाल, जो बाद में बैंड हो गया, अंग्रेज़ों ने बैंड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका के साथ सन 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और स्वतंत्र भारत में वो शिक्षा मंत्री बनकर देश में एक महान नेता के रूप में उभर कर सामने आए। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम कांग्रेस जन आज अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं।